नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। ऑक्सीजन को लेकर इंतजाम खत्म ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट इंडिया की ओर से मुद्दा उठाने के बाद सीएम गहलोत ने भी संज्ञान लेते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। गहलोत ने लिखा है कि राजस्थान में लगभग 1,70,000 एक्टिव केसेस हैं। मानकों के अनुसार करीब 12% मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी राजस्थान में करीब 20,400 मरीजों को आज ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एक्टिव केसेस की गणना के आधार पर आज प्रदेश को 466 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 265 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। आज राजस्थान में करीब 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। राज्य में संक्रमित केस देश के कुल संक्रमितों का 5% है, लेकिन ऑक्सीजन का आवंटन सिर्फ 1.6% है। प्रदेश को एक सप्ताह के अंदर ही कुल 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, लेकिन अब तक मिल नहीं पाया। और आज बात इसी मुद्दे पर। कोरोना का कहर हर ओर मचा हाहाकार, जाति जाने बचाने में जुटी गहलोत सरकार। उखड़ती सांसों को ऑक्सीजन की दरकार, केंद्र आखिर कब निभाएगा अपने सरोकार? और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार अब और कितना इंतजार? बिग फाइट पे बहस, जिसे हम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। फिलहाल हमारे साथ पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है वासुदेव जी आपका। अहम सवाल यही वासुदेव जी, देखिए राज्य सरकार अपने स्तर पर बातचीत कर रही है और एक सकारात्मक माहौल में राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच बातचीत भी हुई। 48 घंटे का वक्त वहां पर दिया गया था, आपूर्ति पूरी की जाएगी। क्या वजह है कि राजस्थान को जितनी जरूरत है उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है? श्वेता जी, राजस्थान को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन मिल रही है, ये राज्य सरकार का मिसमैनेजमेंट है कि जहां ऑक्सीजन चाहिए वहां पहुंच नहीं रही है। जैसे आज मैंने अजमेर के कलेक्टर से बात की, हिंदुस्तान जिंक के पास ऑक्सीजन है लेकिन इनके पास कंटेनर नहीं है कि अजमेर वहां से ऑक्सीजन आ सके। इसी तरह जो ऑक्सीजन देने का, केवल ये कह रहे हैं पेशेंट हमारे एक्टिव ज्यादा है इसलिए आप दें, लेकिन साथ में हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी, आखिर ऑक्सीजन की पाइपलाइन कितनी है, ऑक्सीजन की वहां की कैपेसिटी कितनी है देने की, ये अरेंजमेंट तो हॉस्पिटल में है नहीं। केंद्र सरकार ने इनको वहां पे प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए, इन्होंने प्लांट नहीं लगाया। लेकिन ये समय राजनीति का नहीं है, एक दूसरे पे दोषारोपण न करें। लेकिन मेरा कहना यह है कि दोनों सामंजस्य से बैठा करके तुरंत ऑक्सीजन पेशेंट्स को उपलब्ध हो। इन्होंने केंद्र सरकार से कहा केंद्र, लेकिन अपनी भी यहाँ की व्यवस्थाएं सारी चरमराई गई हैं। मैंने आज खुद अजमेर को देख रहा हूँ, दूसरों की सुन रहा हूँ, जयपुर में बात हो रही है, पेशेंट इधर से उधर घूम रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कालाबाजारी हो रही है, आज भी अजमेर के हॉस्पिटल में कालाबाजारी रहते हुए छापा पड़ा, भी पकड़े गए 70 सिलेंडर। तो प्रशासन भी अपनी ओर से एक्टिव हो और इन चीजों को रोके, तब जाकर के इसका हम समाधान कर पाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, लेकिन वासुदेव जी आपने कहा कि मैनेजमेंट सही नहीं है, यानी प्रशासन अपने स्तर पर जहां पे जरूरत है वहां पहुंचा नहीं पा रहा, लेकिन जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे? क्योंकि देखिए आंकड़े साफ बताते हैं, जिस हिसाब से प्रदेश में एक्टिव केसेस है उस लिहाज से जो जरूरत है वो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। तो जितनी जरूरत है अगर उतनी आपूर्ति नहीं होगी तो क्राइसिस तो बनेगी। मैनेज मान सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो दिक्कत यही है कि ऑक्सीजन है ही नहीं। जी नहीं नहीं कहीं नहीं, जितनी है वह भी नहीं पहुंच पा रही है सही जगह, पेशेंट को नहीं मिल पा रही है। जितनी है वह तो सही मालूम करो और ऑक्सीजन देने का जो प्रोसीजर, जो उपकरण है वे तो उपलब्ध कराओ, वे ही उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। आखिर ऑक्सीजन की कहीं पाइपलाइन चाहिए, कहीं ऑक्सीजन वहां पे देने की जो प्रक्रिया होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इनके पास नहीं है। केवल ऑक्सीजन यहाँ पे भर करके ज्यादा मंगवा के भी करेंगे क्या? यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन और पेशेंट तक पहुंचने की जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है वही इतनी कमजोर है कि इन्होंने पिछले वर्षों में कुछ किया नहीं। लेकिन आज किया कि नहीं किया, चलो आज तो ठीक कर लें, लेकिन बाकी केंद्र सरकार भी इनसे बातचीत कर रही है, मैं समझता जितनी संभव है वह भी सबको भेज रही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जैसा इन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से आएगी, लेकिन मैनेजमेंट ठीक करेंगे तो ही उस ऑक्सीजन का सदुपयोग हो सकेगा, नहीं तो यहाँ पे सदुपयोग भी नहीं होगा, ऑक्सीजन आके पड़ी रहेगी। यहाँ पे पेशेंट वास्तव में, आप कह रहे हो राजस्थान की स्थिति, पूरा यहाँ का मेडिकल व्यवस्थाएं
चरमरा गई हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। यह तो कम से कम राजस्थान सरकार करेगी ना, वहां से तो केवल ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, लेकिन राजस्थान, यानी आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर होगा भी तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा, इस वजह से नहीं है। कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राज्य सरकार का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए हरीश चौधरी तो अपना पक्ष रखेंगे, राज्य सरकार का क्या है, वासुदेव देवनानी ने क्या कहा वो आपने सुना। अदिति, सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि राज्य सरकार अपना पक्ष रखती है, केंद्र सरकार अपनी बात यहां पर रख रही है, लेकिन आपूर्ति हो क्या नहीं पा रही है, वास्तविकता क्या है, क्या बातचीत हुई है, क्या कहा गया है, किस तरह का आश्वासन मिला था? श्वेता, सबसे दुख की बात यह है कि जहां पर हम रोज बढ़ते मौत के आंकड़े देख रहे हैं, वहां पे ये बात तो तय हो गई है कि अगर हम बीजेपी के व्यक्ति से बात करते हैं तो वो राज्य सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ता है, और अगर हम कांग्रेस के व्यक्ति से, नेता से बात करते हैं तो वो केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ रहा है। अब मैं श्वेता आपसे ये बात करना चाहती हूँ, सबसे पहले तो हमें मुद्दा समझने की जरूरत है, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पे आरोप लगाने से पहले ये समझे कि हमारी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रही है और क्यों राज्य सरकार बार बार केंद्र से मांग रही है। मुद्दा ये है, देखिए सबसे पहले मैं राज्य सरकार क्या चाहती है उसकी बात करती हूँ, और बहुत मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगी और बिना हवा में रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं वो इसे समझे। पहला, राज्य सरकार ये कह रही है कि हमने पिछले बहुत समय से चिट्ठी, पत्री, टेलीफोन ये सब कुछ किया, पिछले 5 दिन में जब हमें लगा कि हालात जो है हाथ से निकलते जा रहे हैं तो उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को दिल्ली भेजा, और दिल्ली भेजने के बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, लोकसभा ओम बिरला स्पीकर जो लगातार राज्य सरकार से संपर्क में भी है और राजस्थान के लिए ऑक्सीजन दवाइयां मंगा रहे, उनसे मिले, उनसे 2 घंटे बातचीत की, और उसके बाद शाम को पूरे दिन पूरे टूर को सक्सेसफुल बताते हुए अमित शाह से जब बात हो गई या और भी अलग अलग मंत्रियों से बात हुई, रेल मंत्री से लेकर, तो ये आश्वासन लेकर आए कि अगले 48 घंटे में आपको ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री से अशोक गहलोत साहब की बात होती है, अशोक गहलोत साहब को प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जल्द से जल्द मदद करेंगे, और अब कल जब अमित शाह से उनकी बात होती है तो वो कहते हैं अमित शाह कि हम आपको आज रात का समय दीजिए, कल तक मदद कराते हैं। उसके अलावा उन्होंने देश के जो आज सबसे पावरफुल लोग हैं, जिसमें पीके मिश्रा आते हैं, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल आते हैं, जिसमें राजीव गाबा आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, उन तमाम लोगों से बातचीत की, और मुद्दा ये निकला कि उन्होंने बहुत सहजता से और बहुत अच्छे ढंग से केंद्र ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। अब मुद्दा ये है श्वेता कि राजस्थान सरकार ये चाहती है कि जो फॉर्मूला है केंद्र सरकार का, जिसमें यह है कि जितने एक्टिव केसेस हैं राजस्थान में, अगर आज की तारीख में 1,70,000 एक्टिव केसेस हैं, तो उसके 12%, और ये फॉर्मूला केंद्र सरकार का है कि 12% लोगों को ऑक्सीजन देनी होगी, और एक ऑक्सीजन 2.5 सिलेंडर जो डी टाइप सिलेंडर है वो दिया जाना चाहिए। ऐसे में ऑक्सीजन केवल 466 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और हमको सिर्फ 265 मैट्रिक टन मिल रही है, यानी कि 201 मैट्रिक टन कम मिल रही है। अब श्वेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही मानना है कि कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कब तक इंतजार करते रहे, हमारे सामने मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना से ज्यादा ऑक्सीजन का संकट है। अब मैं बात करती हूँ केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार के जो जितने भी तमाम दिग्गज लोग हैं वो लगातार 6 से 7 घंटे बैठकें कर रहे हैं, और बैठक किस पर है, बैठक है ऑक्सीजन और टैंकर्स की। राजस्थान का भी जो मसला है जिसपे वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, हमने बात करने की कोशिश की कि क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। श्वेता, मैं केंद्र सरकार का यहाँ पर पक्ष जो कहती है वो रखना चाहूंगी, जो जिसको भी तय करना है जनता खुद तय करे कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार ये मानती है कि उन्होंने राजस्थान के तमाम लोगों की बात करी, वो ये मान रही है कि हमने पूरी वायु सेना जमीन पर उतार दी है, कोई ऐसा देश नहीं बचा जिससे हम ऑक्सीजन और टैंकर्स, मुद्दा टैंकर्स का सबसे बड़ा है, टैंकर्स जिस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई एलोकेशन जो है केंद्र सरकार के अंडर में है, टैंकर्स अभी केंद्र सरकार के अंडर में नहीं आए, उनको टैंकर्स के एलोकेशन, क्योंकि टैंकर्स की कमी देश भर है, अगर टैंकर नहीं होंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई कैसे किया जाएगा। ठीक है अदिति, बिल्कुल आपने केंद्र सरकार की तरफ से बात रखी और वो केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारी कोशिशें जमीन स्तर पर किस तरह से हो रही हैं। अब
हरीश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और साथ ही एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हरीश जी, अभी आपने सुना अदिति ने क्या कहा, केंद्र सरकार क्या कह रही है, किस तरह से केंद्र सरकार की कोशिशें हैं। सवाल अगर केंद्र सरकार पर उठ रहा है तो केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी है, लगातार कोशिशें जारी है केंद्र सरकार की तरफ से, यह कहा जा रहा है। वासुदेव देवनानी जी अभी आपसे पहले बोल रहे थे क्योंकि अभी आप जुड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जितना ऑक्सीजन है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकार सही तरीके से नहीं कर पा रही है, इस वजह से नहीं हो पा रही है आपूर्ति। अब हरीश जी आप जरा राज्य सरकार का पक्ष रखिए, कोशिश क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से होती है, मंत्री दिल्ली भी जाते हैं, मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट करते हैं, क्या दिक्कतें हैं, कितनी आपूर्ति होनी चाहिए वो सब बताते हैं, लेकिन आज के वक्त में जनता को नहीं मिल पा रही है सुविधाएं जो चाहिए। हरीश जी, भारतीय जनता पार्टी की मित्र अगर ये कह रहे हैं कि राजस्थान अच्छी तरह से इसका प्रबंधन नहीं कर सकती है तो मैं माफी चाह रहा हूं कि वो जनता के बीच में झूठ बोल रहे हैं। ये बड़ा मैं कड़वा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जब हम लोगों को ऑक्सीजन ही कम मिल रही है, कुछ ना कुछ तो मानवता रखनी चाहिए इन लोगों को। आज हम लोगों का मध्य प्रदेश और गुजरात के अगर हम लोग तुलना करें, राजस्थान के अंदर 170,000 एक्टिव केस है, गुजरात में 137,000 है, मध्य प्रदेश में 92,000 के करीब एक्टिव केस है। हमको एलोकेशन कितना हो रहा है, राजस्थान को हो रहा सिर्फ 265 मेट्रिक टन, गुजरात को हो रहा 975, मध्य प्रदेश को हो रहा लगभग 650। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कहना चाहता हूँ, राजस्थान ने क्या गुनाह किया, 25 MP दिए केंद्र पर, अब जो हम लोगों को एलोकेशन के अंदर किस दुर्भावना से किया जा रहा है मेरे समझ से परे, किसी भी व्यक्ति की समझ से। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है हरीश जी, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी वायुसेना की मदद ली जा रही है, दूसरे देशों की मदद ली जा रही है, आपूर्ति को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश को देखना है और इसलिए कोशिशें जारी है। तो अगर ये कहा जाए कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है और सौतेला व्यवहार राजस्थान के साथ किया जा रहा है तो ये गलत है, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, क्या आप कहेंगे कि वो झूठ बोल रही है जी? देखिए, अगर केंद्र सरकार का तय पैमाना है और किसी का पैमाना तय नहीं किया हुआ कि 12% एक्टिव केसेस को एक इन्होंने पैरामीटर माना है, 2.5 सिलेंडर प्रति पेशेंट का इन्होंने पैरामीटर माना है, खुद ने केंद्र सरकार ने तय किया, उस अगर वो खुद जो उनका खुद के पैमाना तय किए वो उसके अनुपात में अगर दे तो भी हम लोगों को लगभग 470 मेट्रिक टन के केंद्र को एलोकेट करना था। तो ये डेफिसिट जो एलोकेशन है इससे इसका क्या तर्क है मुझे समझ से परे। अगर ये का ही अगर पैमाना है तो फिर गुजरात को 975 किस आधार के ऊपर, ठीक है हरीश जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो पैरामीटर है, ये जो पैमाना तय किया है केंद्र सरकार ने तय किया और उसी के आधार पर भी राजस्थान को जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ है। आशुतोष जी, आपने तीनों को सुना, हरीश जी कह रहे हैं, वासुदेव जी अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है कि हम जमीनी स्तर पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है कि जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं किया गया है, जरूरत पूरी नहीं की जा रही है, कहाँ कमी रह जा रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हो रहा है, देखिए बातचीत तो हो रही है, अगर बातचीत नहीं होती तो कहते कि जब कम्युनिकेशन नहीं तो चीजें कैसे पूरी होंगी, कम्युनिकेशन है, सब अपनी बात रख रहे हैं, फिर आपूर्ति में कहाँ देरी हो रही है, क्यों इतना इंतजार करना पड़ रहा है? देखिए श्वेता, ये तो एक आश्चर्य की बात है कि पिछले 4 दिन से ऐसा लग रहा है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों राजस्थान को लेकर चिंतित हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन चिंता और आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 4 दिन से हम सिर्फ फिगर्स की बात कर रहे हैं, 500 मेट्रिक टन चाहिए, 466 चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की बात तो अपनी जगह है, लेकिन वास्तव में ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी आ नहीं रही है। एक तो राजनीति दोनों कर रहे हैं, बीजेपी भी राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, सच्चाई यह है कि 80 मेट्रिक टन से 100 मेट्रिक टन हुआ, 100 से 125, 180 और अब 265, लेकिन सवाल यह है कि संख्या भी मरीजों की बढ़ती जा रही है, ये कोई स्टैटिक नहीं है, रोज मरीजों की संख्या बढ़ती है, रोज उसकी डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में यह है कि इसका इंतजाम होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 500 मीट्रिक टन हमको मई के फर्स्ट वीक में चाहिए और अभी हमको 265 मिल रही है, और अलॉटमेंट के साथ में एक्चुअली टैंकर की समस्या भी है, यदि अलॉट हो भी जाएगा तो टैंकर कहाँ से आएंगे, टैंकर राजस्थान के पास 36 है, यदि वो ट्रांजिट रहेंगे तो उसके लिए हमको 70 टैंकर चाहिए, अब टैंकर भी हमको बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, वायुसेना से हमको टैंकर मिल रहे हैं, फिर टैंकर वहां से जाकर के लाते हैं, इसलिए ऐसे में इसको बिल्कुल वार फुटिंग में करना पड़ेगा, सेंटर को तत्काल इसको कोटा बढ़ाना चाहिए। आज आश्चर्य की बात यह है कि आज दोपहर तक मंत्रिपरिषद की मीटिंग केंद्र सरकार में हुई है,
उसके बाद में उसका फॉलोआउट क्या हुआ, राजस्थान को क्या मिला, दूसरे स्टेट्स को क्या मिला, इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। 3 दिन से मुख्यमंत्री जी जो है संपर्क में है, सब बड़े लोगों से दिल्ली में बात हो चुकी है, यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जा चुका है, सबको गुड्डी गुड्डी सब आश्वासन मिल चुका है, पर एक्चुअली ग्राउंड पर कुछ हुआ नहीं है। तो इसको जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को राजस्थान की बात सुन करके और कोटा बढ़ाना चाहिए। और कोटा बढ़ाने के साथ में मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड की है कि आपने ऑक्सीजन प्लांट्स का तो सारा अधिग्रहण कर लिया, खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री को कि आप टैंकर का भी अधिग्रहण कर लीजिए, ताकि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर जैसी जरूरत है उसके हिसाब से आप टैंकर डेप्यूट कर सकें। केंद्र सरकार आज की स्थिति में खुद रेगुलेट करेगी तभी ये हो पाएगा। राजस्थान अपने स्तर पर वो कह देंगे कि आप जो है हमने कोटा अलॉट कर दिया, लेकिन टैंकर राजस्थान के पास नहीं होंगे तो वो ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचेगी कैसे। बिल्कुल, ऐसे में टैंकर का अधिग्रहण करने की मुख्यमंत्री की मांग इस समय जायज है और केंद्र को इस तरह से करके, और वास्तव में यहाँ पर देखिए मृतकों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता का विषय है। और जिस तरह से विशेषज्ञों ने कहा है कि मई के लास्ट तक ये लहर जाएगी, तो ऐसे में बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और जल्दी से जल्दी इसको स्टेप उठाना चाहिए और इस तरह से दूरदर्शिता से स्टेप उठाने चाहिए कि आज 500 की फर्स्ट वीक में 500 की डिमांड होगी, 500 मेट्रिक टन की, उसके बाद मिड मई में हो सकता है कि ये 700-800 तक चली जाए, तो इसका पूरा एक प्लान बना करके उसी हिसाब से एलोकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर, एक दिन में ये नहीं होने वाला, थोड़ा थोड़ा करके हमें करना होगा और बहुत जल्दी करना होगा। अदिति, मुख्यमंत्री ने भी कई चीज सजेस्ट की और एक बात और कही गई कि ठीक है पूरा सब कुछ कंट्रोल केंद्र के हाथ में है, लेकिन केंद्र कहीं ना कहीं परमिशन दे कि अगर कोई राज्य आपस में मदद करना चाहे तो वो भी कर सके। और जमीनी स्तर पर ठीक है केंद्र भी कह रहा है कि हम ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश नजर नहीं आ रही है। सवाल इसलिए उठते हैं, कोटा बढ़ाने की बात बार बार कही जा रही है लेकिन अगर केंद्र की तरफ से उस पर कोई हरी झंडी नहीं मिल गई है अभी। दोनों बातें, दोनों का जवाब चाहेंगे। श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोग कितनी बात करते रहे लेकिन अगर केंद्र या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये उम्मीद करें कि राजस्थान की राज्य सरकार पहले ये सोचे कि केंद्र किस चीज से गुजर रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि राजस्थान की राज्य सरकार को फिलहाल अपने राज्य में बढ़ते हुए मौत के आंकड़े दिख रहे हैं और बीमारी दिख रही है, और ये हफ्ते भर का या महीने भर का या साल भर का ये प्रोजेक्ट नहीं है। अगर एक घंटा भी ऑक्सीजन देरी से मिलती है तो हमारे पास 5 डेथ रेट्स बढ़ जाती है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार अब उन केंद्र सरकार के जूतों में पैर नहीं रख सकती, उसको फिलहाल अपने वो हाथ पे हाथ रख के ये नहीं देख सकती, क्योंकि सवाल उठेगा प्रदेश के मुखिया के ऊपर और शायद बहुत लंबे समय इंतजार किया। बॉटम लाइन ये है कि सरकारों का फेलियर है। मैं भी कह रही हूँ कि पहले दिन जो चीजें आज की जा रही है, आज केंद्र सरकार ये पक्ष रख रहा है कि ऑक्सीजन एक दिन में नहीं बनती, टैंकर्स एक दिन में अवेलेबल नहीं होते, देश के पास टैंकर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आएगा तब सप्लाई होगा, हम दिन में 50 बैठकें कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि चाहे राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, राज्य सरकार की कंप्लेन हमेशा सौतेले व्यवहार की रहती है, लेकिन ये बात सही है, जब केंद्र सरकार ने जिस दिन ये फॉर्मूला रखा था कि हम 12% एक्टिव केसेस के 12% लोगों को ऑक्सीजन देंगे, तो उस दिन ये सोचना चाहिए था कि हमारे पास कितना ऑक्सीजन और कितने टैंकर्स हैं। आज की तारीख में लोग कोरोना से ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और राजस्थान उस पूरे देश के 5% एक्टिव केसेस पे पहुंच चुका है, और अगर ऑक्सीजन एलोकेशन की बात करें तो 1.6% ऑक्सीजन एलोकेशन है। यहाँ पे फिर हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पक्ष या किसी का निष्पक्ष नहीं रख रहे हैं, हमारा मुद्दा यह है कि राजस्थान को और कितना इंतजार करना होगा और कितनी मौत को देखना होगा और कितने बीमारियों को देखना होगा और कितनी दर्दनाक तस्वीरें देखनी होंगी। हालांकि मैं एक बार फिर कहूंगी, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठी हूँ, हर एक राज्य सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो आकर केंद्र सरकार के सिर पर बैठकर यही कह रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा दवाई, ऑक्सीजन और तमाम तरीके की चीजें मुहैया कराएं। लेकिन ये देरी और गलती, ये केवल केंद्र सरकार है जिसको इस बात को फिक्स करना ठीक होगा। ठीक है, ये समझना भी होगा। देखिए, आप सवाल हर राज्य करेंगे, हर राज्य केंद्र से करेगा, केंद्र के लिए सिर्फ राजस्थान नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश है और इतने सारे राज्य हैं, सबकी आपूर्ति करनी है, लेकिन इसलिए सवाल उठते हैं कि जो पैरामीटर है उस हिसाब से अगर दिया जाए तो फिर जो राजस्थान को मिलना चाहिए वो राजस्थान को क्यों नहीं मिल रहा है। हरीश चौधरी जी, देखिए सवाल अभी आपने भी उठाया आंकड़ों पे कि क्यों जब इतना हमारा कोटा है तो इतना मिलना चाहिए, जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, आश्वासन केंद्र सरकार दिया और लगातार कम्युनिकेशन में तो होगा, बातचीत तो हो ही रही होगी केंद्र सरकार से, अभी क्या तैयारी को लेकर कहा है केंद्र सरकार ने, कब तक और दिया जाएगा ऑक्सीजन, यहां पर भेजा जाएगा कितने मेट्रिक टन एक्स्ट्रा भेजा जाएगा, कैसे लेकर कुछ कहा गया, क्योंकि एक साथ तो आपूर्ति पूरी होने नहीं वाली, लेकिन अभी हाल में कितना भेजेंगे, कब तक भेजेंगे, क्या इसे लेकर कोई बातचीत हुई है?
श्वेता जी, मूल प्रश्न ये उठता है कि इसका लोकेशन का अधिकार किसके पास है। पैंडेमिक एक्ट का अधिकार को उपयोग कर केंद्र सरकार ने पूरे देश का ऑक्सीजन अपने अधीन कर लिया है। उसको अधीन कर और बांटना का अधिकार केंद्र सरकार का है, बिल्कुल सही है। आज स्थिति ये कि केंद्र सरकार को अधीन करना चाहिए, बांटना चाहिए। सवाल ये उठता है कि जो बंटवारा हो रहा है क्या वो रेशनलाइज है, क्या वो तर्कसंगत है? अगर हम लोग तुलना करें तो हम ये आंकड़े अपने आप कह रहे हैं। अगर आंकड़े कहकर और जो राजस्थान के साथ साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके संदर्भ में बोले और मित्रों को ये लगे कि राजनीति करते, तो मेरे हिसाब से उनको भी इसके लिए जब कभी भी राज्य के साथ अहित होता है तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हम लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए। और जिस प्रकार से हम लोगों को ये लोकेशन सीमा में मिल रहा है, क्या ये पर्याप्त है? हमको दोषारोपण इस आपदा के अंदर नहीं करना चाहिए। हमारा एक मात्र लक्ष्य ये रहना चाहिए कि हम लोग ये जो स्थिति है उससे मुकाबला कैसे कर सकते। और जब केंद्र के पास अधिकार है, जब केंद्र ने पूरा अधिकृत कर रखा है, अधीन कर रखा है, तो हम केंद्र से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मैं मेरे मित्र से सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है, राजस्थान क्योंकि वासुदेव जी हैं, आप उनसे सवाल, ठीक है, उनसे आप सवाल करें। उन्होंने ही सवाल उठाया था। वासुदेव जी, आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, जहां है वहां भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन है ही नहीं। लोग जिसको देखो, हर दूसरा फोन जो आता है वो इसलिए कि ऑक्सीजन की कमी है। आप सोशल मीडिया में देखो, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। कैसे पूरी होगी वासुदेव जी? आप एक क्षेत्र के लिए कह सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए आप नहीं कह सकते? जितनी मीठी बातें कर रहे हैं उसका व्यवहार में लाए। हरीश जी, मेरी बात भी सुन लें। आप जितनी बातें कर रहे हैं इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए, इसमें आम सहमति है। न राज्य सरकार राजनीति करे, न कोई केंद्र करे। केंद्र राजस्थान के प्रति संवेदनशील है। आपने अपनी बात रखी है, उसके प्रति व्यवहार बात हो रही है, उसके सामने पूरे देश के राज्य चिंता हो रही है। लेकिन राज्य में जितना है उसका तो सही डिस्ट्रीब्यूशन करो, और कम से कम टैंकर्स की व्यवस्था तो करो। मान लो अभी कोटा भी अलॉट हो गया, लेकिन आपके यहाँ टैंकर्स नहीं हुए तो राजस्थान में लाओगे कैसे? और टैंकर्स की व्यवस्था तो राज्य सरकार को करनी पड़ेगी, वह भी राज्य सरकार करने में असक्षम है। तो कम से कम इसमें राजनीति न करके, जैसा आप भी कह रहे हैं मैं भी आपको कह रहा हूं, लेकिन दोनों मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार, राजस्थान की जो 8 करोड़ जनता है इसकी चिंता दोनों मिलकर करें। इस पे ओछी राजनीति न करें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप न करें। यह एक आपदा, राष्ट्रीय आपदा का विषय है। यह निश्चित रूप से हमारे लिए, सबके लिए चिंताजनक बात है। और इसके लिए मोदी जी जितने प्रयत्न कर रहे हैं, मैं समझता हूं आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं किसी भी संकट के समय सबसे अधिक मोदी जी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सवाल ये जो जरूरतें होनी चाहिए वो पूरी हो रही है नहीं, अगर कुछ कहीं कहीं कमी है तो उसे कैसे पूरा किया जाए? सवाल तो उठते ही रहेंगे सर, इसीलिए तो किसी को सवाल जवाब में पड़ना भी नहीं है, या प्रदेश की जनता के लिए यही कोशिश है। श्वेता जी, मैं सिर्फ दो बार निवेदन करना चाहता हूँ। कालाबाजारी को रोकेगी क्या? आपके यहाँ जितने कालाबाजारी हो रही है, मैं करना चाहता हूँ कि 1 मैट्रिक टन भी कोई बिना टैंकर ट्रांसपोर्टेशन का 1 मैट्रिक टन भी नहीं उठा हुई तो ये जवाब दे। दूसरा, ये कह रहे कि शौचालय व्यवहार नहीं किया जा रहा, हमारे से कम केसेस होने के बावजूद गुजरात को 975 मैट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 650 मैट्रिक टन, और हमको सिर्फ 265। अगर आपका शौचालय नहीं है तो क्या मतलब? मैं आशुतोष जी, देखिए दोनों, हरीश जी और देवनानी जी दोनों ये कह रहे हैं कि राजनीति न करें, और दोनों राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मैं दोनों से एक एक प्रश्न करना चाहता हूं कि देवनानी जी ने ये कह दिया है कि पूरा ढांचा स्वास्थ्य का चरमरा गया है। देवनानी जी, 2 साल पहले तो आपकी सरकार थी, जो ढांचा बना था वो तो आपने ही बनाया, 2 साल में कैसे चरमरा गया? और एक हरीश जी इस बात का जवाब दे दे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए, और उस पैसे का आपने करीबन 6 महीना हो गया, आपने जोधपुर, जयपुर और अलवर में जो प्लांट लगने थे वो नहीं लगाए, और संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, तो जिन लोगों की गलती थी उन लोगों पर आपने क्या किया?
बिल्कुल सर, क्योंकि आशुतोष जी वक्त खत्म हो चुका है। सवाल बिल्कुल बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात है कि इससे लेकर सोचना होगा कि बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है लेकिन आप उस पर इंप्लीमेंट कितना कर पाते हैं। वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है, चर्चा को यही रोकना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना जरूर तय है कि जो है क्या उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो नहीं है जो उसे दे सकता है, जैसे कि केंद्र सरकार से आपूर्ति की मांग की जा रही है, वो कितना यहां पर कर पा रही है। और ये वक्त ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है, जहां जैसे जिससे बन पड़े कोशिश कीजिए, मदद कीजिए। और हर राज्य को यही दरकार है और यही राजस्थान भी चाह रहा है। चलिए शिक्षा दीजिए इजाजत। नमस्कार।